मध्य प्रदेश में बिजली विभाग के लाइन मैन के साथ मारपीट कर आधा दर्जन से ज्यादा की संख्या में सरहंगों ने 50,000 रुपए की लूट। लहूलुहान होकर पीड़ित लाइन मैन पहुँचे SP कार्यालय, लगाई गुहार। रीवा जिले के लौर थाना क्षेत्र के ग्राम कांकेसरा निवासी गंगा सिंह परिहार पिता बंसपति सिंह परिहार ने बताया कि केंद्र ढेरा अंतर्गत खैरा मुख्यालय में लाइन मैन के पद पर पदस्थ हैं। पूरा मामला क्या है, आइए दिखाते हैं क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की इस खास रिपोर्ट में। बताना फिर है। क्या नाम है आपका? गंगा सिंह परिहार। कहाँ से आए हैं? हम आए हैं बिजली विभाग में नौकरी करते हैं, कनकेसरा गांव में। क्या घटना घटी आपके साथ? कल गए थे लाइन सुधार करने के लिए, तो वहाँ लोग मारपीट किए, हमारा वसूली के 50,000 रुपये लिए थे, वो भी लूट लिए। कौन लोग मारपीट किए हैं? महुगड़ा के तिवारी हैं, कुछ दुए हैं, कुछ बहरिया के। क्या आरोपियों को आप पहचानते हैं? हाँ, सबको पहचानते हैं। कितने लोगों ने मिलकर हमला किया आपके ऊपर? 10-15 लोग थे। मारपीट की मुख्य वजह क्या है? वजह कुछ नहीं, वो बोले कि हमारे खेत में कैसे हिल गए तिली में, वो हमारा कचर दिए, जबकि तिली मैंने जड़ा जाना स्थिति। अब आपके मारपीट किए हैं? लाठी थे और पाइप थे, लूट उनका मैन मकसद लूट करना था। इसकी शिकायत लेकर आप संबंधित थाने में नहीं गए? गए थे। कौन से थाने में गए थे? महुगंज। तो महुगंज पुलिस के द्वारा क्या बोला गया? वो नॉर्मली रिपोर्ट लिखा दिए, बोले इसमें दस्तखत कर दो। हम कहें साहब इसमें सब कुछ लिखा ही नहीं है, तो कहें इसको बंद कर दो। कौन बोला बंद कर दो? वही एक सिविल जस्टिस बैठा था मगन थाने में, कहें कि हम अधिकारी हम ही हैं। फिर हम साहब मजबूर होकर दस्तखत किए, हम कहें ठीक है दीजिए। कार्रवाई क्या चाहते हैं आप भाई? उनके ऊपर कार्रवाई हो और हमारा पैसा वापस हो। कौन कौन मारा है नाम बता दीजिए। रावेन तिवारी पिता शंकरलाल तिवारी, अर्पित तिवारी तनय बाबूलाल तिवारी, मोहित दुबे तनय बाबूलाल दुबे, सोहित तनय बाबूलाल दुबे, गोरेलाल तिवारी तनय मदाऊ तिवारी, किरण कुमार तिवारी तनय रामावतार तिवारी, राम नरेश पटेल तनय बुद्धसेन पटेल, राजकुमार पटेल तनय राम सुंदर पटेल, कृष्ण प्रसाद केवट तनय गया प्रसाद केवट, प्रशांत तिवारी तनय रामायण तिवारी और कुछ लोग भी। इतने लोगों ने मिलकर आपके ऊपर हमला किया, किस चीज से हमला किया गया है? लाठी और पाइप से या रॉड से। इस हमले में कितने लोग जख्मी हुए हैं? 5 लोग। ये सब होते होते कम से कम 1 बज गया। 1 बजे के बाद हम लोग मतलब वहाँ चले, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं। लास्ट वही जबरदस्ती बोले रेस्टोर करो जाओ यहाँ। क्या पैसे की लूट वगैरह भी कुछ हुई है? हाँ, वसूली का पैसा लिए थे लाइन मैन साहब, तो क्या वो वसूली कर रहे थे, उसके बाद फोन आ गया 33 फाट है, चलो 33 बनाने जाना है। वो लाइट होती है सब अधिकारियों की लाइन मैन साहब सहित, तो अधिकारी वसूली में पटे होंगे तो ना आ पाए होंगे, उसके चलते हम लोगों को बोला कि आप भी चलिए मदद कर दीजिए। पैसे की लूट भी कुछ हुई है? हाँ, ये पैसा छुड़ा लिया मोबाइल। कितना पैसे की लूट हुई है? लगभग 50,000।